और अब खबर टोंक से, जहां नया गांव ककोड़ के पास एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 40 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दो लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और इस दौरान स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां से 11 गंभीर घायलों को जयपुर के लिए रेफर किया गया। आपको बता दें कि एमपी के दुलारा निवासी सभी यात्री डिग्गी कल्याण के दर्शन कर वापस लौट रहे थे, तभी ट्रक के संतुलन खो जाने से यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।